बिलासपुर में हुई हुंकार रैली में शामिल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथ में गंगाजल लेकर छलने निकले कांग्रेस नेता बताए कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार अपराध क्यों हो रहे हैं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जा रही है जिसमें सरकार की रुचि है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो भाजपा के सवालों का जवाब नहीं देगी। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि विपक्ष विपदा की घड़ी में एक तरफ मोदी घर घर अनाज पहुंचा रहे थे, दूसरी तरफ यहां सरकार लोगों के घर में शराब पहुंचा रही थी। बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान पर पलटवार भी किया। सीएम बघेल जांजगीर चांपा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर रमन सिंह राशन कार्ड में बड़ा घोटाला हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। मुझे इनके बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने महंगाई के बारे में बोलकर महिलाओं का अपमान किया है। जो योजनाएं हैं, हाट बाजार की योजना है, इन प्रकार की योजनाओं का बहुत अच्छा है, उसका लाभ भी मिल रहा है, उसका असर भी समाज में दिखाई देता है। कल हम लोगों ने सेमरा में, सिवनी में भी इसका कार्यक्रम आयोजन हुआ, बहुत सारे मांगे थी, इसकी घोषणा भी मैंने किया, वो सब आप लोग उसको मीडिया के माध्यम से दिखा चुके हैं, तो उसको मैं और नहीं बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मुख्य रूप से यह जिला शिक्षित जिला भी है और सिंचित जिला भी है।